कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों, आज हम वही पार्ट दो निराला जी निराला भाई इसका अध्ययन करेंगे। आपकी पाठ्यपुस्तक का क्रमांक 7 परिच्छेद देखोगे तारों की छाया में उन दोनों डॉट डॉट सजने की प्रतीक्षा करते रहे उनकी निस्तब्ध बिना जब। यहाँ तक पैराग्राफ देखिएगा, ठीक है, मैं आदर्श वाचन कर रहा हूँ, आशा करूंगा आप घर में बैठे बैठे इसका अनुकरण वाचन भी करोगे। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या क्या सुना यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठा कर मुझे उन सुख शहर का समाचार देना न भूले। देखिए कि अब यहाँ निराला जी और कौन मिले हैं देवता से, गुप्त जी, ठीक। ये दोनों जब दोनों की साहित्यिक चर्चा हुई, साहित्यिक चर्चा करने के बाद निराला जी ने रेलवे स्टेशन तक छोड़ा और जब जो उनकी चर्चा हुई उन्होंने महादेव वर्मा को हुबहू वैसा ही बताया। ऐसे अवसरों की कमी नहीं, जबकि अकस्मात पहुंचा कर कहने लगे मेरे इक्के पर कुछ लड़कियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है, उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जाने सुनकर उनकी दृष्टि में बालको जैसा विस्मय झलक आता है। जो अपने घर समझ कर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जाए कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। देखिए यहाँ पर निराला जी की जो आर्थिक परिस्थिति है उसको बहुत सुंदर तरीके से उजागर किया गया है। भोजन बनाने के लिए लेकर जूते बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। देखिए आज घर में अतिथि आना, हम लोग हम क्या होते हैं, रिश्तेदार अपने सगे दिया है तो हम आजकल रिश्तेदारी निभाने में असफल हो रहे हैं, परंतु यहाँ निराला जी देखिए कितनी अतिथि देवो हो। देखिए कि हमारे घर में जो भी हमारा अतिथि आता है वो हमारे भगवान से बढ़कर होता है, उसे खुश करना, उसे प्रसन्न करना यह हमारा सबसे पहले उत्तरदायित्व होता है। अतिथि की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसानों में मिलता है। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रा नंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र में उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छापा ली थी। सुमित्रा नंदन पंत जी एक बहुत बड़े कवि हैं और इनके बहुत बड़े सखा हैं, मित्र हैं, साहित्य सम्मेलन में एक साथ कविताएं रचनाएं करते हैं और बीच में सुमित्रा नंदन पंत जी को टाइफाइड हो गया था और एक अखबार वाले ने क्या छाप दिया कि उनकी मृत्यु हो गई है, स्वर्गवास हो गया है। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिक के साथ आपोचित थे, मैंने उन्हें यह समाचार छिपाने का भी अवसर न पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी की जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लकड़ खड़ा कर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंगों के स्पर्श से मानव पाषाण में परिवर्तन होने लगे। देखिए अब जैसी यह खबर उन्होंने सुने, पाषाण यानी पत्थर एकदम निःशब्द हो गए, पत्थर की बाकी अपन जो होते निश्चित उस तरह निराला जी की हालत हो गई थी। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर छूने वाले आंसू की बूंदे बीच में ऐसी चमक जाती थी मानो प्रतिभा से छड़े झूले के फूल हो पाओ। देखिए उनकी जो नेत्रों से आंसू निकलने लगे, क्यों निकलने लगे बेटा, क्योंकि कौन गुजर रहे थे, उनके ही सखा पंत जी, हाँ सूर्यकांत, ये उनके मित्र जो गुजर गए थे और इसका स्वर्गवास सुमित्रा नंदन पंत जी जो गुजर गए, ये समाचार पाते हुए क्या हो गए थे, निषिद्ध हो गए थे, एक शिला की भांति हो गए थे, पत्थर की भांति हो गए। और जब उनके आंखों से नेत्रों से आंसू टपक रहे थे तो महादेव वर्मा जी कह रहे हैं कि वो आंसू नहीं एक झूली के फूल की भांति हो तब तब जमीन पर गिरने लगे। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर ही मैंने ठीक समाचार जानने के लिए टाल दिया। वे व्यवस्थित प्रतीक्षा मुद्रा में जब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरी फाटक बंद होने का समय न आ गया। सवेरे 4 बजे की फाटक खटखटा कर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा तो मुझे हुआ कि रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगे हुए दुबे पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी निःशब्द पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी तब इतना ही कर सके, अब मुझे भी गिरते हैं पंत के साथ तो रास्ता कम अखता करता, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। पुरस्कार में मेरे दिन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते, पूछने पर उनकी सरल विश्वास के साथ कहते वह तो संकलित अर्थ है, अपने लिए उपयोग करना अनुचित है। देखिए उनको कई पुरस्कार मिलते थे कवि सम्मेलन वगैरह में, तो वो
बेचारे पुरस्कार का पैसा भी लोगों को दे दिया करते थे। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे, पर आज मुझे उन्होंने खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित साक्ष्य में समझ जाए तो उनकी विशेषता ही क्या रहेगी। उनकी अपरिवर्तनीय वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, पर वसंत की परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खेल अनुताप या पश्चाताप की एक ही व्यवस्था रहे विनोद की एक पात्र एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला चित्र उत्तर आया, मधुकरी को अब भी खाते हैं। जिसकी विधियों से साहित्य का कोई संबंध है उसने मधुकरी मानकर जीवन निर्वाह किया, इस कटु सत्य पर आने वाले भी विश्वास कर सकेंगे यह कहना कठिन है। गेरू में दोनों मले और दो वर्ष पर उत्तर कब लोग डाले गए इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी थे सवेरे। देखिए यहाँ पर निराला जी के जीवन के बारे में उन्होंने बताया कि उनको जैसे जैसे धन मिलता है वो क्या करते हैं, बेटा लोगों की सेवा के लिए ही खर्च करते जाते हैं। इसके बाद वो अपनी तरफ किसी भी तरह का ध्यान नहीं देते, न ही किसी तरह का नियोजन करते, और ऐसा फक्कड़ व्यक्ति ही संसार में नाम कमाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।